डूब कर वक्त के अंधेरों में एक नया आफ्ताब उभारा है। हमने अपने लहू के छींटों से रंगे शामो सहर निखारा है और खाकों खस में घिरी फिजाओं को रंगो बू का पता दिया हमने। कायनात एक दश्ते वीरा थी, गुल बदामा बना दिया हमने। आप हमसे बात करते हैं, थे हम ही जान जिस तमद्दन की, उस तमद्दन ने डस लिया हम। करते रहे आप बातें। गुमा ये था फकत इंसान फरोख्त होते हैं, तेरे जहां में तो यजदा फरोख्त होते हैं और सुराहियों से हसी गर्दनें भी बिकती हैं। लबों का रस भी मेरी जहां फरोख्त होते हैं और ये इर्तका का जमाना है जमाने में। नसीबे इसम तो उसियाँ फरोख्त होते हैं और वो जिस मरमर व सहबा से जिनकी साख्त हुई बड़ी जगह बहुत अर्जा फरोख्त होते हैं। और खिजा का वहम मिटा दो के अब तो कसरत से सदा बहार गुलिस्ता फरोख्त होते हैं। मैं ये सेनेट वालों के लिए नहीं कह रहा हूँ। हम ही में थी ना कोई बात, याद ना तुमको आ सके, तुमने हमें भुला दिया, हम ना तुम्हें भुला सके। हम तो वो है कि ऐसा हो कोई नामा बर, बात पे काम धर सके, पढ़कर यकीन कर सके, जाकर उन्हें सुना सके और तुम ही ना सुन सके अगर किस्सा गम सुनेगा कौन। वेलकम वेलकम। किसकी जुबां खुलेगी फिर हम ही ना घर सुना सके। और लब पे सवाल है यहाँ, शौक वसाल है यहाँ, किसकी मजाल है यहाँ हमसे नजर मिला सके। सीनियर सियासतदान और साबिक वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दरीना साथी सेनेटर मुशाहिदुल्ला खान हम में नहीं रहे। मुशाहिदुल्ला खान 1953 में रावलपिंडी में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम इस्लामिया हाई स्कूल रावलपिंडी और ग्रेजुएशन गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी से किया। कराची के उर्दू लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की। मुशाहिदुल्ला ने PIA में मुलाजमत इख्तियार की और ट्रेड यूनियन लीडर की हैसियत से फ़ाल किरदार अदा किया। 1990 में मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हुए और 2009 में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर पहली मरतबा सेनेटर मुंतखब हुए। 2015 में दोबारा सेनेटर बने। 3 मार्च को होने वाले सेनेट इलेक्शन में मुशाहिदुल्ला खान मुस्लिम लीग नून की तरफ से तीसरी मरतबा जनरल नशस्त पर उम्मीदवार थे। January 2015 में नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में उन्हें चेयरमैन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुकर्रर किया गया। उनका ओहदा वफाकी वजीर के बराबर था, ताहम उन्होंने इस ओहदे को कबूल नहीं किया। बाद अज़ा उन्हें वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली बनाया गया, ताहम फौज के एक मुतनाज़ा इंटरव्यू पर इन्हें मुस्तफ़ी होना पड़ा। शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में उन्हें दोबारा वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली बनाया गया था।